हेलो एंड वेलकम स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ लॉर्ड्स ऑफ एमसीक्यू ओके तो हम देख लेते हैं हमारी अपकमिंग बैचेस कौन कौन सी है जैसा कि हम हर दिन डिस्कस करते हैं क्लास से पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले हम हर दिन डिस्कस करते हैं हमारी अपकमिंग बैचेस के बारे में तो आज भी हम देख लेते हैं जो कि सप्टेम्बर महीने की है तो बिल्कुल कमिंग बैचेस जो है वो आ रही हैं आठ तारीख को उसके बाद पंद्रह एंड उसके बाद बाईस सितंबर उसके बाद ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर को सभी बैचेस जो है बायोलैंगल है आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो दैट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट महिंद्राज डॉट ओ आर जी राइट चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात करें हम इसके बाद हम बात करते हैं आज के डेट की थाट्स की लेकिन थाट्स जानने से पहले और डिस्कस करने से पहले अपने स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ जाएँ और देखें कि चैट बॉक्स में हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं तो कार्तिक रॉय जी हैं गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग भाई एंड आशीष सिंह जी हैं नदीम हैं विकल्प सिंह जी हैं यश जयसवाल है आदि ब्लॉग है, है शरिता रावत हैं एंड उसके बाद जो है मन है एंड उसके बाद खुशबू मंडल भी हैं एंड जो है यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे शिक्षा त्रिपाठी ठीक है तो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल है ना सभी को गुड मॉर्निंग और करना क्या है एक छोटा सा काम करना है आपको क्लास की लिंक शेयर करनी है तो जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए फटाफट से क्लास की लिंक शेयर कीजिए और हम अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं हाँ लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक लाइक like तो बनता है तो डू गाइज लाइक एंड शेयर चलिए बात करें डेट की थॉट्स की तो देखिए क्या है नो मैटर वॉट यस्टरडे वॉज लाइक बर्ड्स ऑलवेज स्टार्ट द न्यू डे विद अ सॉन्ग एग्जैक्टली ना क्या हुआ कल क्या हुआ क्या होना है आज क्या होना है चिंता नहीं एकदम चिंता नहीं आराम से प्रेजेंट में रहना है जो वर्तमान है वही जीवन है और मस्ट इनसे सीखते रहना है देखिए ये कैसे है हमेशा गुनगुनाते रहते मस्त रहते वैसे ही हमें भी अपना काम करना है और एकदम चिंता फ्री रहना है चलिए आगे बढ़ें तो बात करते हैं हम चार तारीख के क्वेश्चन की जिसका आंसर कर्नाटक था और आंसर करने वाले हमारे स्टूडेंट थे सरिता रावत अर्चना पाल नदीम सुषमा छेत्री मीनाक्षी जंजारिया वेंटकेश्वर नायक शुभराज शाहू एंड उसके बाद अनूप कुमार पटेल रागनी कुमार यहाँ पे रागनी कुमारी एंड उसके बाद जो है अजीत हम देख सकते हैं यहाँ पे सौर्या और जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे शाहिद आलम जी एंड खुशबू शर्मा जी विनय राज जी ज्योति शाहू निर्मल मुखर्जी आदि ब्लॉग अगेन यहाँ पे नहीं आदि ब्लॉग ही है चलो ठीक है उसके बाद वर्षा सिंह है एंड उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे शुभदीप शिट है और आयुष शर्मा है फिर यहाँ पे प्रतीक रा जो है आकाश है पारिक आकाश है एंड उसके बाद जो है सौरजीत घोष है तो इतने सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने किया था तो सही आंसर चलिए बात कर लेते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है तो टारगेट ऑफ द डे क्या होने वाला है तो टारगेट ऑफ द डे आज हमारा एज़ यूजल हम इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे हाईलाइट्स होगा और करंट अफेयर बेस्ड एम सी क्यू होगा अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की वो इम्पोर्टेंट स्कीम जो न्यूज़ में रही किसी भी कारणवश उसके बाद स्टैटिक एम सी क्यू होगा हमारा और अगेन जो है एंडिंग क्लास की होगी मैप से और अंत में होगा एक एम सी क्यू जो कि आपको आंसर करना होगा होमवर्क क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा कहाँ पे कमेंट में चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो पहला जो हमारा है फर्स्ट सेप्टेम्बर ये कौन सी होती है तो फर्स्ट सेप्टेम्बर को हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक मैं हर दिन बता रही हूँ आपको ये माह पोषण माह है कौन से मंत्रालय ने डिक्लेयर किया है पोषण माह मुझे बताइएगा चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं सितंबर टू को हम मना रहे हैं क्या वर्ल्ड कोकोनट डे थर्ड सितंबर को हमने मनाया स्काई स्क्रैपर डे पाँच सितंबर होता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अगेन पाँच सितंबर होता है इंडिया का टीचर्स डे एंड उसके बाद बात करें छह सितंबर तो यहाँ पे आज कुछ भी नहीं है इसके बाद बात कर ले सात सितंबर की तो आपको याद रखना है कि ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे है बस इतना ही सहम बात करते हैं हाईलाइट की तो हाईलाइट्स हमारा क्या है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया है आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे रजत पदक पदक से यानी जो है सिल्वर मेडल लाने वाली भारत की महिला है ना कौन सी पहला मेडल हमें ये मिला था टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल था मीराबाई चानू ने लाया था तो इन्हें जो है सम्मानित किया है ठीक है तो याद रखना है आपको कि मीराबाई चानू को हमारे गृह मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया मीराबाई चानू वो महिला बन चुकी हैं जो कर्ण मलिक के बाद हम कह सकते हैं सेकेंड महिला और अगर हम बात करें वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट महिला जिन्होंने सिल्वर लाया है राइट और अगेन हम बात करें ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो हम देख सकते हैं मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं तो मीराबाई चानू जो है मणिपुर से बिलोंग करती है ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में हमने न्यूज पढ़ा था कि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्या का ब्रांड एम्बेसडर तो एम्बे एम्बे जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया तो मीराबाई चानू को बनाया गया इम्पोर्टेंट याद रखेंगे अच्छा आपको ये भी याद रखना है क्या ये इनका पहला ओलंपिक था तो आपका आंसर क्या होगा नहीं 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 इससे पहले वाले भी ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट की थी लेकिन मेडल लाने से रह गई थी है ना चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तो देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा अगेन जो है खेल से संबंधित है ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर बॉक्सर बोरलिंग ये जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है किसका तो सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारी चल रही है ये मुझे बताइए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कब से स्टार्ट हुई है से हम पढ़ रहे हैं हालांकि अभी हमारी एजुकेशन मंत्रालय की स्कीम स्टार्ट नहीं हुई है अभी हमने जो है एग्रीकल्चर डिस्कस करना स्टार्ट किया है तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जिसके तहत जो है पूरे भारत में शिक्षा पद्धति अच्छे तरीके से लागू हो सके हर व्यक्ति को जो है शिक्षित बनाया जा सके तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है हम देख पा रहे हैं कि लोवलीना बोरालिंग को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अब सवाल ये होता है कि लोव जी बिलोंग कौन से राज्य से करती हैं और ओलंपिक में इन्हें जो है कौन सा मेडल मिला था तो देखिए बात करें तो ये बिलोंग करती है आसाम से आसाम के जो है गोलाघाट से बिलोंग करने वाली ये हैं और अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रगल की है इनका फर्स्ट ओलंपिक था ये इनका फर्स्ट ओलंपिक था पहले ओलंपिक में ये क्वालिफाई नहीं हो पाई थी इंडिया के अंदर जो क्वालिफाइंग टेस्ट होता है जिसमें सेलेक्शन होता है वो टेस्ट ये क्वालिफाइंग नहीं कर पाई थी तो ये इनका फर्स्ट जो है ओलंपिक था और इसमें इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल लाया तो ये कम गर्व की बात हमारे लिए नहीं है याद रखना है इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट तो देखिए हमारे यूथ अफेयर्स एंड जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर और साथ ही साथ आई एन बी यानी क्या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर नाम क्या है अनुराग ठाकुर जी तो अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया वो सारे मेडलिस्ट जो जीत कर क्या है जिनमें शामिल कौन थे यहाँ पे हम देखेंगे सुमित अंतिल है ना जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ जैवलिन में उसके बाद देवेंद्र झाझरिया इन्हें भी जो है जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ उसके बाद हम देखेंगे कौन है तो योगेश काथुनिया जी जिन्हें जो है डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ उसके बाद कौन शरद कुमार जिन्हें हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ इन सभी को क्या किया सम्मानित किया है ना चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा हाईलाइट जो है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है एपिडा से संबंधित है अब ये क्या हाईलाइट है देख लेते हैं तो ये बताया जा रहा है फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए जो है आप देख सकते हो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए प्रोस्पेक्ट्स एंड फार्मर इनकम एपिडा लिंक एमओयू विथ आई सी ए आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलट रिसर्च तो हमारी जो एपिडा है ये हमारे जो किसान हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए और व्यापार में जो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स करना होता है ठीक है निर्यात करना होता तो निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ावा बढ़ाने के लिए जो है एपिडा ने एम साइन किया है आई के साथ किसके लिए मिलेट्स के लिए कि मिलेट्स का अच्छा से जो है क्या हो सके रिसर्च कर सके मिलेट्स क्या तो देखो वैसे अनाज वैसे हम कह सकते हैं सीड्स जो हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें मोटे अनाज दलहन भी कहते हैं समझ गए तो वो यही कैटेगरी में आती है इसमें हाई लेवल न्यूट्रिशंस होता है याद रखना है तो इसके लिए ये काम किया गया है आपको इम्पॉर्टेंट जानना होगा एपिडा फॉर्म यानी एग्रीकल्चर एंड जो है प्रोसीड्स फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तो ये जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक्सपोर्ट्स वाली याद रखना है आपको चलिए आगे बढ़े हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट से संबंधित तो आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जो है जिसका नाम क्या है आप देख सकते हो ग्रेशिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट हुआ है किनका अपॉइंटमेंट हुआ है हम देख सकते हैं हरिकृष्णा अग्रवाल एज अ एम तो एम के रूप में हरिकृष्णा अग्रवाल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है ये आपको याद रखना है इनका काम स्टार्ट होगा एक दिसंबर 2021 से अच्छा अब यहाँ याद रखना है आपको कि ये जो कंपनी है ये आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर आती है बस इतना याद रखना है नेक्स्ट हम बात करेंगे टू प्लस टू डायलॉग की तो टू प्लस टू डायलॉग हुआ किसके बीच में बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट वुड बी हेल्ड इन नवंबर लास्ट ईयर है ना लास्ट ईयर में हुआ एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धना जो है यहाँ पे हर्षवर्धना श्रिंगला जो है यहाँ पे आए और यहाँ पे मीटिंग हुई देखो मैटर नहीं करता कि जो है कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन आ रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कौन यहाँ पे विजिट कर रहे हैं या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं मैटर करता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज टू प्लस टू डायलॉग ये टू प्लस टू डायलॉग क्या होता है देखिए जब भी दो नेशन के बीच में ध्यान से सुनिएगा जब भी दो नेशन के बीच में डिफेंस मंत्रालय है, है ना प्लस जो है फॉरेन मंत्रालय तो डिफेंस एंड जो है फॉरेन मंत्रालय का जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है डिफेंस एंड फॉरेन मंत्रालय की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है दूसरे काउंटर पार्ट कंट्री के डिफेंस और दूसरे काउंटर पार्ट कंट्री के फॉरेन मंत्रालय से तो इस तरह के मीटिंग को टू प्लस टू डायलॉग कहते हैं बात करें इंडिया तो इंडिया के टू प्लस टू डायलॉग जो है वो होती है यूएसए के साथ सेकेंडली होती है जापान के साथ एंड थर्डली इंडिया का टू प्लस टू डायलॉग चलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ याद रखना है इसी तरह से कभी कभी न्यूज में आपको ये भी जानने मिलेगा है ना क्या राउंड टेबल वन मतलब टेबल वन टॉक ऐसे मिलेगा आपको टेबल जो है वन टॉक ऐसा सुनने मिलेगा फिर सुनने मिलेगा टेबल टू टॉक या आपको सुनने में मिलेगा टेबल थ्री टॉक की मीटिंग हुई तो ये क्या होता है देखिए जब भी दो नेशन के बीच में टेबल वन टॉक हो, होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई कंसर्निंग बड़ी मंत्रालय दूसरे कंट्री के कंसर्निंग बड़ी मंत्रालय से मीटिंग कर जैसे मान लो एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग मीटिंग हो गई डिफेंस वाले की डिफेंस से हो गई तो इसको टेबल वन बोलते हैं है ना जैसे मान लो कि पीएम आ गए अपने कंट्री के और दूसरे कंट्री के भी पीएम आ गए ये टेबल वन की बात होगी एकदम हाई लेवल यानी जब कैबिनेट मीटिंग करती है सेकेंडली में होता है क्या जब सेक्रेटरी मीटिंग करती है यानी जब कोई मंत्रालय की सेक्रेटरी मीटिंग करती है जैसे दूसरे कंट्री के किसी मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ तो उसे टेबल टू टॉक कहते हैं और जब टेबल थ्री टॉक की बात करते हैं यानी कोई नेता नहीं बल्कि कोई अभिनेता कोई राइटर कोई ऑथर या कोई समाज सेवी जिनका सॉफ्ट पावर हो देश के अंदर वो जब मीटिंग करते उसे टेबल थ्री टॉक कहते चलिए बात करते नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइन अप प्रोजेक्ट है ना ऑफ एयर लॉन्च अनमैंड एरियल व्हीकल्स तो हमारे इंडिया के डिफेंस मंत्रालय ठीक है हमारे इंडिया की डिफेंस मंत्रालय और यूएसए की जो डिपार्टमेंट ऑफ हम कह सकते हैं डिफेंस है इन्होंने क्या किया है एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए किस रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन किया है तो स्पेस में जो है अनमेंड व्हीकल्स के थ्रू मतलब बिना आदमी के है ना मानव रहित नहीं बिना मानव के जो है वो भेज सके क्या अपने जो है हम कह सकते हैं एरियल व्हीकल्स को लॉन्च कर सके इसके रिगार्डिंग वैसे आपको बता दें स्पेस में हमारा जो है मेन के साथ यानी मानव को भेजने की बात जो है स्पेस में याद रखिएगा यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है स्पेस में भेजने की जो है मानव स्पेस में भेजा जाए इसके लिए हमारा एक मिशन चल रहा है नाम क्या है मिशन का आप लोग मुझे बता दीजिए क्या चंद्रयान इससे संबंधित है या नहीं है क्या हमारा जो चंद्रयान है वो इससे संबंधित है या नहीं है चलिए ओके हम बात करते हैं नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर से संबंधित और यहाँ पे हम देख रहे हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से संबंधित तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो है हम देख सकते हैं कि आ, आप यहाँ पे देख सकते हो इन्हें एक प्रतिष्ठित जो है डन एंड जो है ब्रेड स्ट्रीट कॉरपोरेटिव अवार्ड जो है 2021 से सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार जो है यानी ये अवार्ड जो है हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए पावर मिनिस्ट्री के द्वारा पावर सेक्टर में दिया जाता है तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो अवार्ड है ये दिया गया किसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को अवार्ड का नाम याद आपको रखना है क्या है जो है दून एन जो है आप देख सकते हो ब्रेड स्ट्रीट कॉरपोरेटिव कॉरपोरेट अवार्ड्स 2021 ये याद रखना है अभी अगर हम बात करें यहाँ पे ये सतलुज जल विद्युत निगम तो देखो सतलुज की बात करें तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है सतलुज रिवर है ना देखो सतलुज रिवर के ऊपर कितने ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है तो बताइए सतलुज रिवर के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है भाखरा नंगल सभी को याद होगा है ना उसके बाद एक और है जो हम कह सकते हैं एच में है एच पी का मतलब क्या होता है हिमाचल तो हम देख सकते हैं कोलडम जो कोलडम जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी सतलुज नदी के ऊपर है समझ गए और आपको एक और फेमस नाम, नाम याद होगा नापथा जो है नापथा झाखरी तो नापथा झाकरी जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी सतलुज नदी पर ही है और हिमाचल वाले क्षेत्र में ही है याद रखेंगे चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट तो यहाँ पे सभी ने बताया जो है गगनयान इससे संबंधित है चंद्रयान संबंधित नहीं है बहुत बढ़िया सही है सही है इसीलिए मैं चंद्रयान बोली ताकि आपको गगनयान का याद है कि नहीं है ना, ना वैसे भी नाम में ही चंद्र छुपा हुआ है तो कॉमन सेंस की भी बात यहाँ पे बनती है चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हाईलाइट्स हमारी अगेन जो है यूथ अफेयर मंत्रालय से है इन्होंने अगेन जो है पैरा ओलम्पिक जीत कर के आए जो मेडल जीत कर के आए हमारे आ, प्लेयर्स है ना तो यहाँ पे उन्हें सम्मानित तो किया ही गया लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरा ओलम्पिक में जो है आ, अभी टोक्यो दो में जो सिल्वर मेडल विजेता है ना मरियपन टी और उनके कोच जो है कौन राजा बी जी को भी बुलाया गया और दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया ठीक है तो ये कोच हो गए ये हमारे प्लेयर्स हो गए चलिए बात करें नेक्स्ट अगेन जो हमारा न्यूज है वो एयरक्राफ्ट से है क्या है देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो है हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय सी एस आई आर ठीक है नेशनल स्पेस लेबोरेटरीज बैंगलुरु और कंस्टेंट लैब ऑफ सी एस आई आर है सक्सेसफुली मेड इट जो है मेडन फ्लाइट आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमारी जो सी एस आई आर है सी एस आई आर एन ए एल जिनकी यूनिट जो बेंगलुरु वाली जो इनकी यूनिट है सी एस आई आर एन ए एल की बेंगलुरु यूनिट के द्वारा जो है न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया डेवलप किया गया जो कि सफलतापूर्वक जो है अपनी पहली उड़ान भर चुका है ठीक है बस याद रखना है नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल इंडिया से संबंधित आजकल कोल इंडिया बहुत न्यूज में है ठीक है तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कोल इंडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है न्यूज़ में क्यों है अभी दो तीन दिनों से हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े उसमें कही न कहीं ना कहीं कोल इंडिया आ जा रहा है तो अभी यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट बात करें देखो भाई आदित्य एल्टू मिशन जो है ना आदित्य एल्टू मिशन अभी हमारा अव रविचंद्रा जी होने वाला है तो ये भी वैसे ही मिशन है लेकिन इसका पर्पज सन को सन जो है उसको ऑब्जर्व करना है ठीक है चलिए तो गगनयान बेस्ट आंसर है चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तो हम बात करते हैं सी आई एल के बारे में सी आई एल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कि किसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है सी आई एल इन्होंने लॉन्च किया है एक सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है आपको याद रखना है एस पी ई यानी एस पी का मतलब हो गया स्पेक्ट्रल और ई e का मतलब हो गया इन्हांसमेंट ये क्या करेगा ये जो है सॉफ्टवेयर है ये गवर्न करेगा डेटा मॉनिटर करेगा है ना डेटा मॉनिटर करेगा एक जगह अच्छे से रिजिस्टोरेशंस होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्यूटनी भी हो सकती है तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस से हम कह सकते हैं सारी चीज़ों को मैपिंग करने के लिए यानी कोल इंडिया का जो डेटा है जो एलोकेशंस हो रहे हैं जहाँ कहीं भी जो है इनके खदान है इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ये जो है सॉफ्टवेयर वर्क करेगा चलिए इम्पॉर्टेंट है अच्छा ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कोल इंडिया की जो है अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें अगर हम तो ये फाउंड कब हुआ था तो, तो आपको याद रखना है 1975 में ये बॉडी बनाई गई थी 1975 में अभी बात कर लें अगर इनके हम सीएमडी की क्योंकि कोल इंडिया न्यूज़ में रही है बहुत ज़्यादा तो आपको सीएमडी देख लेना है यानी जो इनके चीफ हम कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है आपके प्रमोद अग्रवाल जी मैं कुछ दिन पहले जब आपको एक आर्टिकल पढ़ाई थी तो उसमें नाम भी मैंशन की थी ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में ट्वेंटी एडिशन हुआ है किसका भाई सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बाई एक्सरसाइज तो आपको याद रखना है सिम्बैक्स सिम्बैक्स इज इम्पॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है विद इन टेन डेज में मैं बहुत सारे आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बता चुकी हूँ अच्छे से रिविज़न कीजिएगा वैसे एम के रूप में तो हम रिविज़न करेंगे ही करेंगे कुछ हम कर चुके हैं और कुछ जो है सेप्टेम्बर महीने की वो हम कर लेंगे तो याद रखना है आपको अट्ठाईसवा जो है एडिशन हुआ है सिम का सिमबैग्स दिमाग में आना चाहिए सिंगापुर और इंडिया ठीक है बायोलिट्रल एक्सरसाइज है जो कि चार हम देख सकते हैं दो से चार तारीख के बीच में आयोजित हो गया है याद रखना है जिसमें बात किसके बारे में की गई तो सी के अंदर ड्रिलिंग कैसे करना होता है नेविगेशन कैसे होता है तो पूरी की पूरी जो स्किल होती है दोनों नेशन के बीच में वो यहाँ पे हुई अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हुआ कहाँ पे ये जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ है ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ तो ये साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ याद रखेंगे नेक्स्ट हम बात करें पावर ग्रिड से संबंधित तो हमारी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्होंने फाउंडेशन डाला है क्या का फाउंडेशन डाला है तो फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बहुत बढ़िया है ना फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज जो है चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया गया कहाँ पे मेघालय के अंदर है ना एट इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट जो है हम देख सकते हैं लापलंग शिलोंग तो यानी मेघालय में जो है पहली बार हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन जो है सेटअप किए गए बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इम्प्लीमेंट करना सरकार के सामने उतनी भी बड़ी चुनौती है जितना बड़ा जो है लोगों को अवेयर करना इसके यूज़ के बारे में साथ ही साथ ऐसे पावर स्टेशन को बूस्टअप करना समझ गए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये नहीं होगा लोग इस तरह के व्हीकल्स को यूज़ नहीं करेंगे और जब तक लोग यूज़ नहीं करेंगे तो जो 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि हम जो हैं अपने कार्बन इमिशन को कट करें वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे 50 परसेंट तक कार्बन एमिशन कम करने का टारगेट इंडिया का है बाय 2030 थर्टी इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज से संबंधित है बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट हम आज समराइज कर लेते हैं कि हमारे टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में कौन कौन से प्लेयर को अभी तक कितना गोल्ड मिल चुका है कितना सिल्वर मिल चुका है ये हम डिस्कस कर लेते हैं देखिए अगर हम गोल्ड विनर की बात करें तो किन्हें मिला है अवनी लेखरा जी को पहला गोल्ड मिला था दस मीटर की जो है एयर हम कह सकते हैं फाइल शूटिंग में इन्हें एक और अवार्ड मिला है वो हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्ज वाले लिस्ट में सेकेंडली बात करें तो सुमित अंतिल की तो इन्हें भी जैवलिन थ्रो में क्या मिला गोल्ड मिला उसके बाद हम बात करें मनीष नरवाल जी की तो इन्हें भी जो है पिस्टॉल में फाइव मीटर की मिक्स्ड जो है कैटेगरी में इन्हें भी गोल्ड ही प्राप्त हुआ प्रमोद भगत जी की बात करें तो इन्हें भी बैडमिंटन सिंगल मैन की कैटेगरी में इन्हें भी गोल्ड प्राप्त हुआ अगेन हम बात करें कृष्णा नागर जी के बारे में तो ये भी बैडमिंटन में ही गोल्ड जीते बात करें सिल्वर मेडलिस्ट की जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहली सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली थी है ना और पहला मेडल भी हम कह सकते हैं यहाँ पे तो कौन सा है तो भाव जो है भावीना बेन पटेल तो इन्होंने प्राप्त किया था टेबल टेनिस में ठीक है वुमेन सिंगल टेबल टेनिस कैटेगरी में फिर उसका बाद निशांत कुमार है हाई जंप में इन्होंने प्राप्त किया उसके बाद देवेंद्र झाझरिया जी हैं जैवलिन थ्रो में इन्होंने प्राप्त किया सिल्वर उसके बाद योगेश जो है काथुनिया जी इन्होंने डिस्कस थ्रो में डिस्कस थ्रो में प्राप्त किया क्या सिल्वर उसके बाद हम देखेंगे सिंगर आज अधाना है इन्होंने भी मिक्सड कैटेगरी में है ना फिफ्टी मीटर के पिस्टल में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया उसके बाद मरियपन जो है हम देख सकते हैं थांगोवेलो इन्होंने हाई जंप में जो है सिल्वर प्राप्त किया और उसके बाद प्रवीण कुमार जी हैं इन्होंने मेंस के हाई जंप कैटेगरी में भी क्या किया इन्होंने हम देख सकते हैं कि प्राप्त किया अपना जो है आ, सिल्वर मेडल ठीक है तो ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है उसके बाद यहाँ पे जो है सुहास एल जो है हम देख सकते हैं यथी राज इन्होंने भी बैडमिंटन में भी क्या प्राप्त किया इन्होंने भी सिल्वर प्राप्त किया नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांज मेडल की लिस्टिंग की तो ब्रॉन्ज मेडल विनर कौन कौन से हमारे तो सुरेंदर सिंह गुर्जर जी इन्होंने जैवलिन थ्रो में जो है हम देख सकते हैं क्या प्राप्त किया तो आपका ब्रांज मेडल प्राप्त किया तो यानी जैवलिन थ्रो की अगर हम बात करें तो जैवलिन यार बहुत इंपॉर्टेंट बन गया इंडिया के लिए सोचो पैरा ओलंपिक में तीनों ही मेडल जैवलिन के हमारे हुए है ना यानी गोल्ड भी हमारे पास आया सिल्वर भी हमारे पास और ब्रांज भी हमारे पास ठीक है साथ ही साथ अगर हम बात करें ओलंपिक में तो गोल्ड जो हुआ वो किसका हुआ भारत का हुआ जैवलिन थ्रो में याद करो ठीक है तो नीरज चोपड़ा याद ही होगा सभी को अब यहाँ पे देखेंगे ब्रांच मेडल में तो देख सकते हैं हम सिंगाराज अधाना जो है ये भी एयर पिस्टल शूटिंग में इन्हें दस मीटर के एयर पिस्टल शूटिंग में इन्हें ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ उसके बाद शरद कुमार को भी हाई जंप में जो है ब्रॉन्ज मेडल हुआ और अवनी लेखरा को अगेन 50 जो है मीटर की वुमेन्स हम बात करें शूटिंग में तो इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ तो ये आपको याद रखना है इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हरविंदर सिंह की बात करेंगे तो हरविंदर सिंह जो है इन्हें भी क्या प्राप्त हुआ है हम देख सकते हैं आर्चरीज में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्चरीज इज इंपॉर्टेंट आर्चरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे हमें ये मेडल प्राप्त हुआ उसके बाद हम बात करेंगे मनोज सरकार को भी क्या हुआ बैडमिंटन में मेडल प्राप्त हुआ है चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि आपका करेंट अफेयर बेस्ड है जल्दी जल्दी एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है विथ एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम जो है बायो लेटर एक्सरसाइज जो है ये देखो सिम्बैक्स ये कितने नंबर का कौन से नंबर का भी चल रहा है थर्टी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स अभी बताई मैं अरे डिस्कस थ्रो अनुप वो होता है ना, चक्का फेक जिसमें कोई भारी सा हम कह सकते हैं कि आ, कोई एक चक्का टाइप का रहता है जिसको चक्का थ्रो ही बोलते हैं हिंदी में एक्चुअली ठीक है तो उसे फेंकना होता है ठीक है तो ये होता है डिस्कस थ्रो चलिए तो थर्टी नंबर का आंसर यहाँ पे वन नंबर का आंसर आ चुका है क्या ट्वेंटी एट एडिशन बिल्कुल ही सही अभी जस्ट आपके सामने डिस्कस क्यों जस्ट डिस्कस क्यों अभी तुरंत आर्टिकल हमने पढ़ा कि साउथ चाइना सी में जो है सिंगापुर के साथ भारत का बायोलैट्रल एक्सरसाइज जो है अट्ठाईसवें नंबर का कंडक्ट हुआ दो से चार तारीख के बीच में चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है मनोज सरकार जी जो है इन्होंने क्या किया है इन्होंने हम यहाँ पे देख सकते हैं विना जीता है ब्रॉन्ज मेडल किस में तो हम देख सकते हैं पैरा ओलंपिक गेम में तो इनका कौन सा गेम में ये जीते हैं चेस में बॉक्सिंग में बैडमिंटन में या रेसलिंग में या शूटिंग में तो क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए तो जल्दी से यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तीन होगा आपको याद रखना है क्या बैडमिंटन में मनोज सरकार जी जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर प्रमोद भागत जी है ना जो है फोर विन हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एट दी पैरा ओलंपिक गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा गेम में जीता है भैया गोल्ड जीता है गेम कौन सा इनका अगेन वही ऑप्शन रिपीटेड है तो so, देखिए अभी हमने डिस्कस किया तो आंसर क्या हो जाएगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है है ना और किस में जीता है इम्पोर्टेंट ये होता है तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बताओ अभी डिस्कस क्यू जस्ट डिस्कस क्यू तो बैडमिंटन इज अ करेक्ट आंसर गोल्ड जीता है बैडमिंटन में याद रखना है नेक्स्ट हम बात करेंगे चार नंबर क्वेश्चन की तो सिंगाराज अध अधाना जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स गेम में ये कौन से गेम से संबंधित है शूटिंग अगेन वही है शूटिंग है चेस है बैडमिंटन है रेसलिंग है ठीक है तो क्या होगा एक्सक्यूज चार नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है किस में? याद कीजिए तो शूटिंग में है ना अभी डिस्कस किया हमने उसके बाद बात करते हैं पांच नंबर क्वेश्चन की तो देखो शूटर मनीष जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे नरवाल जी इन्हें टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल तो जीता है लेकिन कौन सा मेडल जीता है सिल्वर जीता है ब्रॉन्ज जीता है गोल्ड जीता है ऑल द एव जीता है या नॉन ऑफ जीता है तो पांच नंबर का क्या हो जाएगा तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है आपको है ना मनीष नरवाला जी ने गोल्ड मेडल जीता है बात करते हैं नेक्स्ट छठे नंबर क्वेश्चन की विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च न्यू जो है सॉफ्टवेयर फॉर इनहस असेसमेंट ऑफ कोल रिसोर्सेज तो कोल रिसोर्सेज की जो है असेसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा नेशनल थर्मल पावर के द्वारा या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा या पावर ग्रिड के द्वारा या हम देख सकते हैं अदानी पावर के द्वारा तो आपको जल्दी से मुझे बताना है इसका आंसर हम लोग अभी डिस्कस किए मुझे लगता है कोई दिक्कत तो नहीं होगी सही सही आंसर जल्दी से आ जाएगा तो बिल्कुल छठे नंबर का आंसर कोल देखो बहुत बढ़िया सी आई एल सी आई एल बहुत बढ़िया कोल 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 वन 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 सही है यार तुम लोग तो बहुत तेज हो गए याद है चलो सही है बहुत बढ़िया ना तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं छह नंबर के बाद सात नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल आपको बताना है अपने देश में कौन सा राज्य है ऐसा जो लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला पहला राज्य बना है पंजाब केरला उत्तर प्रदेश तेलंगाना गोवा तो क्या होगा आंसर सात नंबर क्वेश्चन तो देखो सात नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो गोवा है हंड्रेड परसेंट जल आपूर्ति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है जिसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है याद रखिएगा तो गोवा फर्स्ट है उसके बाद सेकंड में तेलंगाना है एंड उसके बाद यूटीज़ की कैटेगरी में कौन है तो अंडमान एंड निकोबार है याद रखेंगे राज्य में आपका गोवा पहला है याद रखेंगे उसके बाद ये हुआ कैसे किस चीज के तहत याद रखो तो जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत जो है इन्होंने ये काम किया है इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते सात के बाद आठ तो वट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जज अपॉइंटेड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो आपको बताना है जज की संख्या जज की संख्या आपको बतानी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है तो क्या होगा आंसर टोटल जज का स्ट्रेंथ पूछा गया मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ है ना कई बार बता चुकी हूं देखो अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें याद रखिएगा तो टोटल जज होते हैं चौंतीस जिनमें इस तरह का डिवीजन होता है एक होता है सीजीआई और बाद के क्या होते हैं जज होते हैं तो वन प्लस थर्टी थ्री होता है तो ये आपको याद रखना है तो अभी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तीन यानी कि तैंतीस वैसे ये स्ट्रेंथ 2019 से हुई है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ हुआ करता था 31 जिसमें हम लोग वन प्लस थर्टी काउंट करते थे यानी एक सीजीआई और रेस्ट जो है जज राइट याद रखिएगा नौ नंबर की बात करें हु द फॉलोइंग हैज बिकम द जो है फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रन इन अ इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको बताना है नौ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट से संबंधित है रन से संबंधित है मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे जो हमारे बॉयज़ हैं उनका गलत होगा है ना क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तो क्रिकेट के दीवाने होते हैं ज़्यादातर है ना वैसे बताओ मुझे अब पसंद नहीं है जब एम एस धोनी था तो थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेते थे बट अब तो एकदम भी नहीं वैसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे गेम में चलो आप लोग बताओ आप लोग की एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है तो चार नंबर का आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का आंसर जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा भारतीय टीम के कप्तान यानि हमारे कप्तान यानी विराट कोहली जी है ना तो ये रिकॉर्ड उनके नाम में याद रखेंगे दो सितंबर को ये चीज जो है हम देख पाए चलिए दस नंबर की बात करें तो रिसेंटली बिच स्टेट्स जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट का जो है पर डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव दी जो है दे, हम देख सकते हैं डिस्टनक्शन जो है ऑफ बीइंग ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल थ्री स्पेसिस ऑफ जो है क्रोकोडाइल यानी जो घरियाल होता है, है ना वो पाया गया है तो आपको बताना है क्रोकोडाइल घरियाल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड तो आपको बताना है कि जो क्रोकोडाइल है वो कौन से राज्य की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में पाया गया ये मैं पढ़ाई हुई है आप लोग को या अगर आप लोग को याद तो केंद्र पड़ा पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया है आपको राज्य का नाम बताना है बहुत ही ईजी से आंसर होगा उड़ीसा तो उड़ीसा का केंद्र पड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्रोकोडाइल की तीनों ही प्रजातियां पाई जाती हैं ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं किसे संबंधित तो अब हम बात करते हैं मंत्रालय से संबंधित है ना तो हमारी जो मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास <coughs> <excuse me> <coughs> चलिए <coughs> हम बात कर लेते हैं एफ पीओ से संबंधित तो एफ पीओ से संबंधित क्या है इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है <coughs> excuse. देखिए बोला जा रहा है दस हजार न्यू फार्मर्स जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दस हजार न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है एफ पी ओ सेटअप किए जाएंगे किसके तहत तो इस स्कीम के तहत है ना ये जो स्कीम है हमारी इसके तहत अब इसमें बातें क्या हो रही हैं ये कब रिलीज हुआ तो जुलाई 2020 में सरकार ने ये सोचा कि जो हमारी फार्मर्स हैं उनकी जो आ, हम कह सकते जो उनका कल्टिवेशन होता है जो उनका फूड जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसे सही तरीके से रखना सही तरीके से चैनलाइज करना इसके लिए इस तरह की व्यवस्थाओं को किया जाना चाहिए पाँच साल के टाइम फ्रेम में ये इम्प्लीमेंट किया गया अगर हम बात करें तो 2019-20 से 23-24 तक का इनका टाइम पीरियड है इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ में बहुत रहा क्योंकि बहुत सारे हमारे अनाज बर्बाद हुए एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा न्यूज़ में रहा अपने किसान बिल के कारण और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऐसे इस स्कीम के तहत कौन कौन सी बॉडी आएगी और स्कीम का नेचर क्या है तो ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर ये तो आपको पता ही चल गया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कह सकता है कौन कौन सी बॉडीज के अंदर आती है तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंक्लूड होती है जो है प्रोड्यूसर कंपनीज है ना प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आती है एंड इसके बाद हम बात करें ये प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए रजिस्टर्ड कहाँ पे तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी क्लास एक्सक्यूज मी सॉरी क्लास एक्चुअली बहुत लाउडली बोलने से पता नहीं मेरे गले में बहुत इन्फेक्शन हो चुका है बहुत लाउडली बोलने से इस तरह से होता है सॉरी ना सॉरी तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पे तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्ट के तहत कौन कौन सी बॉडी आ रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इम्प्लीमेंट करने, तो करने के लिए दो बॉडी आ रही है स्टेट लेवल पर एक आ रही है एस अब ये एस एफ सी क्या है द स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर जो है कंसोटियम uh, ये आ रही है स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए और जबकि नेशनल लेवल पे यानी एनसीडीसी यानी नेशनल जो है कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसके तहत नवाड हो गया या हम कह सकते हैं कि एन ए एफ ई डी एन एफ ई डी क्या होता है नेशनल एग्री कॉर्परेटिव है ना कॉरपोरेशन जो है मार्केट फेडरेशन है ये ठीक है उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बॉडी है निरामक ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर मार्केट कोऑपरेशन लिमिटेड ये बॉडी है और ये जो है 1982 में फाउंड हुई थी नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम करती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा तो ये सारी बॉडी जो है आती है कुछ कुछ स्टेट लेवल के आधार पे स्टेट के अंदर जैसे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई अलग सी बॉडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर डेवलप की गई है तो वो सब भी इसके अंदर आती है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है सारी की सारी बॉडी आती है किसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस क्या करें डिस्कस करें एग्रीकल्चर से संबंधित ठीक है यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी आई है रूरल डेवलपमेंट क्यों क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है बॉडी के बारे में ठीक है इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट अब फंडिंग कौन करेगा तो आपको याद रखना है कि जो हमारी क्रेडिट गारंटी ये जो है हमारी सी जी एफ है तो सी जी एफ यानी क्रेडिट गारंटी फ़ंड है ये बिल्कुल नवाड इसको मैनेज करेगी और एन सी डी सी इसको मैनेज कर रही है इस फंड को इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो जो एसपरेशनल डिस्ट्रिक्ट है देखो नीति आयोग ने पूरे भारत में जो है एक सौ बारह डिस्ट्रिक्ट को एसपरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना के रखा है मतलब एक सौ पंद्रह पहले थी इनिशियली अभी एक सौ बारह है तीन वेस्ट बंगाल से संबंधित है जो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं एसपरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया ढंग से जितना होना चाहिए तो ऐसे अगर हम लोग बैक डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में इसलिए एस्पेरेस्थल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ठीक है थीके? तो बोला गया है कि वैसे डिस्ट्रिक्ट जो एस्पेरेस्थल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कम से कम जो है जो उनका नॉर्मल टारगेट है उस टारगेट से पंद्रह उनको इजाफा हो जाए पंद्रह उनको और फायदा हो तो ये जो है यहाँ पे काउंट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो भाई हंड्रेड परसेंट का टारगेट किया गया है और उसके बाद अगर हम बात करें जो प्लेन क्षेत्र है वहां पे तीन सौ परसेंट जो है मैंने हम कह सकते हैं तीन सौ कम से कम जो है इस तरह की बॉडी को इंप्लीमेंट करके डेवलप करने की बात की गई है इससे होगा क्या इससे जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये सर्व होगा हर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो विश्व स्तर पे ना केवल देश विश्व स्तर पे जो है इसकी परिचय हो लोग जाने कि हाँ ये चीज ये एरिया से आता है यानी जो प्रधानमंत्री का मिशन है वोकल फॉर लोकल वो भी इसे जो है क्या होगा ए, हम कह सकते हैं आगे बढ़ाया जाएगा पूरी की पूरी जो व्यवस्था है पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा मैनेज की जा रही है तो ये नामपा के द्वारा मैनेज की जा रही है यानी नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा पूरी व्यवस्थाओं को जो है मैनेज किया जा रहा है बात करते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या संबंधित है हम लोग देख लेते हैं बहुत ही न्यूज़ में रहा तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं पाँच साल कंप्लीट हुआ इसका इसीलिए नाना ज़्यादा न्यूज़ में रहा और अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिसेंटली जो है हम देख सकते हैं फ्लैगशिप जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पाँच साल कंप्लीट करने के बाद अगर हम बात करें तो लॉन्चिंग के दिमाग में आना चाहिए कि भैया कब ये इम्प्लीमेंट की गई थी तो 2016 में और अगर हम बात करें यहाँ पे तो किस तरह का कवरेज प्राप्त होता है तो खरीफ फसल के लिए जो है दो परसेंट मार्केट रेट से कम एंड उसके बाद राबी की जब बात करें हम तो वन पॉइंट फाइव परसेंट की जो है हम देख सकते हैं बीमा प्रीमियम दर होती है एंड उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर होते हैं है ना आ, तो हम बात करें दोनों ही जो एक होता है ना सीजनल होते हैं और एक होते हैं हमेशा सा, पूरे साल भर वाले तो इनको जो है पाँच की कमी के साथ तो इस तरह से इतने जो है ब्याज दर में कमी के साथ जो है ये फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें सेंट्रल लेवल पे सब्सिडीज़ दी जाती है है ना और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 50 50 परसेंट सेयरिंग हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में ये आपको याद रखना है और इसमें जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं बहुत सारी जैसे अनइरीगेटेड अनइरीगेटेड एरिया ट्वेंटी फाइव इरीगेटेड एरिया थर्टी ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की अगर हम बात करें तो नाइन्टी इस तरह से जो होता है कोई कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे कोई कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एकदम डेवलपमेंट सन्नाटा है है ही नहीं कुछ वहां पे पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट से निकल के वो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में आ जाती तो इस तरह की चीजें होती हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित तो ये जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या सरकार कोई टूल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किए तो बिल्कुल तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है ये याद रखिएगा फसल बीमा योजना के तहत ही है इसीलिए मैं इसे मैंसन की इसमें किसान जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद अगर उनके एरिया में किसी भी तरह का क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जा रही है ना बीमा की बात करी है तो बीमा की बात तभी करी जाएगी ना जब कुछ लॉस होगा तो उसकी भरपाई करनी होगी तो अब यहाँ पे भरपाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सरकार को जानकारी देना पड़ेगा कि भाई सब हमारा तो फसल लॉस हो गया तो बहत्तर घंटे के अंदर जो है आपको अपनी फसल की जानकारी दे दी जा मतलब दे दोगे आप अगर इस ऐप के थ्रू अगर आप रजिस्टर्ड होते हो और इससे सरकार को भी बहुत फायदा होता है वो जल्दी से टेक्नोलॉजी का यूज कर करके आप तक पहुँच सकती हैं आपके एरिया को स्कैनिंग कर सकती हैं और सैटेलाइट के मदद से ड्रोन के मदद से रिमोट सेंसिंग के मदद से बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत सारे इंटेलिजेंस मैकेजम का उपयोग करते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है अभी एक और चीज़ आपको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और सरकार इन्फॉर्मेशन साझा कर सके किसानों के साथ रिगार्डिंग फसल बीमा योजना उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है पी एम एफ बी बाई पोर्टल ठीक है ये भी इंटीग्रेशन है जिसमें लैंड रिकॉर्ड जो है वो मेन करना है मतलब ज़मीन की रिकॉर्डिंग डिजिटल ज़मीन हो पूरी पूरी जमीन की जो पेपर हो वो सरकार के खाते में रिकॉर्डेड हो व्यक्ति को भी पेपर के नाम पे रोना ना पड़े कि भाई सब हमारा ज़मीन वाला पेपर भूल गया वो नहीं मतलब बिल्कुल लैंड रिकॉर्ड की बात की गई है याद रखेंगे ये पोर्टल याद रखिएगा चलिए की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जल जीवन मिशन से संबंधित आप बता दो जल जीवन मिशन जो है ये जो है मैंने इनका टारगेट क्या है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे निकल के आती है तो आपको देखना है बोला गया है जल जीवन मिशन जो है ये एक्सक्यूज <coughs> मी <excuse me. coughs> हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है पाइप वाटर के साथ जो है पूरे <coughs> घर में 2022 तक वाटर सप्लाई की बात की गई है उसके बाद सेकेंडली बोला गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है क्या है इसमें उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है कि हाउस होल्ड जो है वेस्ट वाटर को जो है वो री करने की बात की गई है क्या एग्रीकल्चर में या तीसरा चौथा पॉइंट जो है वो कहता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर बेस्ड पॉल्यूशन फ्रॉम जो है इंडस्ट्रीज़ लाइक जो है हम देख सकते हैं टेनरीज इन मेज़र रिवर ठीक है तो आपको बताना है यहाँ पर कि जितने भी मतलब हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज है ठीक है जो कि स्पेशली अगर हम बात करें जो कि मतलब हम कह सकते हैं चमड़े का काम करते हैं ना तो अगर वैसी इंडस्ट्री है तो आ, उनकी जो वाटर है उनको जल में निर्वाह करने की इसमें क्या छूट वोट दी गई है क्या है किस तरह की चीज़ें हैं और अगर वो करते हैं तो क्या इसके ऊपर उन्हें फाइन वाइन लगता है ऐसा कुछ है तो क्या है आपको बताना है वन टू थ्री फोर है और उसके बाद टू थ्री है वन टू है क्या होगा आंसर जल्दी जल्दी आंसर करें यहाँ पे डी को लॉक कर दिया जाए सच में <coughs> तो चलिए अब यहाँ पे इसका आंसर के लिए हमें बिल्कुल भी रोना नहीं है आंसर क्या होगा सी होगा आंसर जो है वो क्या होगा सी होगा ये आपको याद रखना है तो यानी जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे वन थ्री एंड फोर यहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रा को बनाने की बात नहीं की क्योंकि जल जीवन मिशन है ठीक है जल जीवन मिशन के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बनाने की बात नहीं कही है। बात बाकी सभी सही है चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बोला जा रहा है मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है एलोवियल फेंस यानी जलोड मृदा की बात की जा रही है एंड जो है आप शायद नाम नहीं सुने होंगे मे भी तो आज जान लीजिए बजदास ठीक है ये भी मिट्टी का ही टाइप होता है एलोवियल सॉयल से संबंधित है चलो मैं बता ही दूंगी तो आंसर तो बड़े इजी कर कर लोगे तो ये है एलोवियल फेंस एंड बजदास कैन बी फाउंड कहाँ फ़ाउंड होता है ये सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट है ना करेक्ट कौन सा ये आपको फाइंड आउट करना है बोला गया ये ड्राई रीजन सच एज जो है डेजर्ट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं <coughs> Secondly, ये बोला जा रहा है कि करेंट यहाँ पे डिपोजिट होता है और थर्ड बोला जा रहा है जो है, विटर क्लाइमेट्स जो है है क्लाइमेट्स वर स्ट्रीम और कॉमन तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आंध्र जलवायु जो है यहाँ पे धाराएं जो है सामान्य होती हैं तो आप कौन सा आंसर सही होगा जल्दी जल्दी बताइए मुझे तो देखिए बिल्कुल सेकेंड टू का वन बता रहे हैं देखिए टू का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा याद रखिएगा ये जो ऑप्शन नंबर वन टू एंड थ्री है ये तीनों ही तीनों सही हैं तो ड्राई वाले क्षेत्र में जो जलोड मिट्टी होती है जो जलोड मिट्टी होती है वो थोड़ा सा जो है बजदास कहलाती है बजदास कहलाती है ड्राई वाले क्षेत्र में आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है ड्राई क्लाइमेट में ये बजदास बन जाता है एलोवियल फैंस जो है और उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से एरिया में पाया जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमेरिकन हो गया साउथ वेस्टर्न रीजन हो गया यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं एंड इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली क्या ना मिट्टी जो होती है ना वो मुड़ जाती है मतलब जो है कन्वर्जेंस हो जाता है मिट्टी का कुछ विशेष यहाँ पे नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिएगा इम्पोर्टेंट है एलोवियल सोयल से संबंधित है चलिए बात करते तीसरा यानी विच ऑफ द फॉलोइंग provisions of the constitutions can be amended by simple majority in the parliament तो बताइए majority की बात कर रहे हैं bill pass करने की बात कर रहे हैं संविधान संशोधन की बात बात कर रहे हैं एक्चुअली में तो संविधान संशोधन करने के लिए कौन सी ऐसी body में जो है हम ऐसा संविधान संशोधन करें जो कि simple majority से हो जाए है ना तो अगर मान लीजिए delimitation commission अगर सेटअप करना हो तो डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिटेंसीज है ना उसके बाद जो है बात की जा रही है डीपीएसपी से संबंधित उसके बाद जो है फिफ्थ शेड्यूल से संबंधित और सिक्स शेड्यूल से संबंधित तो आपको बताना है कि <clears throat> हाँ ड्राई में भी होती है नदीम तो उसका टाइप अलग हो गया ना नाम अलग हो गया इसलिए तो बता रही हूँ तो चलिए तीन नंबर की बात करें तो तीन नंबर में आपको ये पूछा गया है सिंपल मेजोरिटी से कौन सा संविधान संशोधन कर सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या पांचवी अनुसूची में या छठी अनुसूची में तो पांचवी और छठी अनुसूची किससे संबंधित है ये याद होगा तभी तो आंसर कर पाओगे तो चलिए इसका आंसर सी होगा याद रखिएगा तो सी यानी ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें यानी सी में क्या दिख रहा है वन थ्री एंड फोर वन थ्री एंड फोर ठीक है ये जो हमारा है ना डीपीएसपी और डीपीएसपी में इतना आसान नहीं है हमारे जो है सिंपल मेजोरिटी से कोई भी चीजों को चेंजेस करना एकदम आसान नहीं है चलिए तो ये आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है सिंपल मेजोरिटी से चेंज की जा सकती है ऑफिशियल भाषा की अगर हम बात करें तो तो, सिटीजनशिप की, की बात करें तो उसके बाद इलेक्शन की बात करें हम स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर ठीक है डिलिमिटेशन की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है आपको याद रखना है ट्राइबल एरिया से संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइबल एरिया और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ठीक है और सिक्स जो शेड्यूल है ये बेसिकली ट्राइबल एरिया के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे आप ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करें चार नंबर क्वेश्चन की चार नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दे दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद कम है वैसे देखिए पूछा गया है ओगु कथा है ना तो ओगो कथा जो है ये एक ट्रेडिशनल फोक जो है थिएटर्स है एंसेंट टाइम का है ना इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है ओगु कथा में कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती है ये एक प्रा, प्रा, जो हम कह सकते हैं पारंपरिक लोक नाट्य है तमिल तेलुगु कन्नड़ा यानी कन्नड़ और जो है हम देख सकते हैं मलयालम तो कौन सी भाषा है कोई बात नहीं गलत ही होता है कोई दिक्कत नहीं है सब सीखने के लिए तो होता है ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन क्यों होते हैं ताकि एक क्वेश्चन से आप तीन चार एमसी बना सको ठीक है तो चलिए चार नंबर बिल्कुल भी एकदम से अलग है नो आइडिया देखो कोई दिक्कत नहीं है तमिल 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 जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट है ए, एक सेकेंड मैं तमिल क्यों बोली तेलगू है ठीक है ऑप्शन जो है बी है देखो हमारी भी कन्फ्यूजन हो गई ठीक है तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है तो ये जो है तेलगू देखो तमिल और तेलगू दोनों लिखा था इसलिए मैं कन्फ्यूज़ कर गई तो यह देखो तेलुगु लैंग्वेज से संबंधित है ये आपको इंपॉर्टेंट है अभी देखो इसमें होता क्या है ना ये जो वर्ड है ना इसका मतलब कुछ और है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम लोग तो ये जो तोगु कथा है ये तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल फोक है आपको याद रखना है अब ये जो तोगु है इसका मतलब क्या होता है देखिए तोगु का मतलब होता है लॉर्ड शिवा लॉर्ड शिवा से संबंधित है ये ठीक है तो लॉर्ड शिवा की आ, से संबंधित उनके जो है मतलब बचपन वाले इनिशियल वाले रूप से संबंधित है जिसमें छोटे छोटे हाथ के थ्रू जो है डमरू बजाने की बात होती है ठीक है और कथा तो आप समझ ही रहे हो है ना तो ये कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा पढ़ लोगे एक बार आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो तेलुगु यहाँ पे पांच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं देखो तेलुगु अभी दिमाग में चढ़ा हुआ निकल नहीं रहा <laughs> है पांच नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री जो है हम देख सकते हैं लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो आपको बताना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई है ना ऐसे तो क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया आपसे इनमें से जो है कौन सा कोड सही दिया गया है बताना है आपको जो है एजो हम कह सकते हैं यहाँ पे एजो स्प्रिलियम उसके बाद जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है क्लो जो है क्लोस्ट्रीडियम और राइजोबियम तो इनमें से जो है ये कौन सा ऑप्शन सही है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है पेड़ में नाइट्रोजन फिक्स तो पाँच का आंसर जो होता है वो क्या होगा देखो सभी बहुत बढ़िया डी किसी का आंसर यहाँ पे आ रहा है किसी का आंसर ए आ रहा है बी भी, भी था किसी का मुझे दिखा था तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ये आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है है ना ये आपको थोड़ा सा देख लेना है ठीक है नहीं मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है एक सेकेंड रुको इसका आंसर बी नहीं होगा ठीक है एक सेकेंड रुकिए चलिए ठीक है यहाँ पे मुझे लगता है एक बार एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लेंगे देखो राइजोबियम और ये सभी के सभी होने चाहिए इसमें सॉरी इसका आंसर डी होना चाहिए ठीक है मुझे भी डाउट था ऑप्शन में यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाई ठीक है यहाँ पे ऑप्शन डी होगा ठीक है डी चलो याद रखेंगे ठीक है इसका आंसर क्या होगा डी होगा ये सभी के सभी वो हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते चलिए चलिए बात करते हैं मैपिंग की तो मैपिंग की अगर हम बात करें तो देखो सब आज हमारे सामने है रेड सी आज हम लोग रेड सी को डिस्कस करेंगे हालांकि यहाँ पे प्रशियन भी दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो प्रशियन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको गल्फ ऑफ ओमान भी दिखाई दे रहा है एडन भी दिखाई दे रहा है अरेबियन भी दिखाई दे रहा है तो ये सब को भी डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं अभी नंबर किसका आया है तो अभी हमारा नंबर है रेड सी का तो रेड सी जो है वो कौन कौन से देश से जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर आ, आ, मतलब कौन कौन से देश से बाउंड्री शेयर करती हैं या कौन कौन से देश से घिरी हुई हैं तो यहाँ पे आपको इजिप्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको इसराइल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा जॉर्डन भी है लेकिन जॉर्डन जो है ये एक गल्फ में जो है आ जा रहा है तो डायरेक्ट तौर पे यहाँ पे रेड सी से तो टच नहीं हो रहा लेकिन गल्फ से टच हो रहा है ठीक है तो चलो हम लोग जॉर्डन को भी लेके चलते हैं उसके बाद सऊदी अरेबिया आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे शूडान आपको दिखाई दे रहा है शूडान एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या येमेन भी दिख रहा है और यहाँ पे इरिटिया भी दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें जिबूती की तो देखो, यहां पे कट हो जा रहा। उसमें नहीं आ रहा, गल्फ में आ जा रहा है, है? तो सूडान हो, 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 हो गया है ना यमे हो गया और जो है में आते हैं ये आपके रेड सी से बॉर्डर हैं लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन

और ये स्विज कैनल इस साइड जाता है और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ क्या अब जो है हम देख सकते हैं अकाबा तो गल्फ ऑफ अकाबा ये जो है ना ये ये वाला प्लेस ठीक है यहाँ पे अकाबा है जो कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच और यहाँ पे जॉर्डन के बीच में तो जॉर्डन सऊदी अरेबिया और आपका इसराइल के बीच में अकाबा है जबकि इजिप्ट है ना और इसराइल के बीच में आपका क्या पड़ जाता है जो है आपका स्विच कैनल पड़ जाता है इम्पोर्टेंट है याद रखना चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस वाटर स्ट्रीट की मैं बताई ना आपको क्या कि इजिप्ट और सऊदी अरेबिया को जोड़ने वाला वाटर स्ट्रेट तो ये इसराइल हो गया देख रहे हो आप इजराइल हो गया ये गल्फ हो गया क्या वाला आपका स्वज कैनल यहाँ पे दिख रहा है आपको और यहाँ पे मैं बताई ना जो है अकाबा तो यहाँ पे अकाबा है ठीक है चलो हो गया अब ये जो है इजिप्ट को हमको लिंक करना है किसके साथ आपके सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत सारे वाटर स्ट्रीट हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट वाटर स्ट्रीट है जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे तो पूछा जाता है तिरान वाटर स्ट्रेट किसके बीच में है या तिरान वाटर स्ट्रेट किसको किसे जोड़ता है या सवाल ऐसे पूछा जाता है कि तिरान वाटर स्ट्रीट जो है कौन से सागर में है समझ या फिर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि तिरान वाटर स्ट्रीट से संबंधित जो है कौन सा वहाँ पे कैनल है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हैं एक बार से आराम से 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 आराम देख लीजिएगा चलिए बात कर लेते मेडिटेरियन मेडिटेरियन जो जो कि हमें रिवीजन करना है है तो कौन कौन से, जो है, देश घिरा हुआ तो देखो स्पेन है फ्रांस है इटली है है ना यहाँ पे मोरक्को आ रहा है अल्जीरिया आ रहा और यहाँ पे टूनिशिया आ रहा है याद रखेंगे ठीक है और माल्टा जो है वो इसी का पार्ट है आपको यहाँ अलग से नहीं देखना है इटली का ही है चलिए ये हो गया याद रखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेटेरियंस ही से बन जाता है ये कौन सा है आपका जो है जिब्राल्टर से तो यूके में अगर हम बात करें यूके और स्पेन के बीच में हालांकि थोड़ी सी कंट्री अलग हो जाती है लेकिन मैं एग्जैक्टली exactly उस दिन बताई थी कारण क्या था ठीक है तो जो आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ये कनेक्ट करता है किसको अटलांटिक ओशन को किससे जो आपके मेटेरियन से याद रखिएगा किसके बीच में तो यूके एंड स्पेन के बीच में ठीक है चलो अब इनके बाद हम बात करते हैं तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्नैपशॉट और इसका आंसर आप कीजिएगा कहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास ख़त्म होने के बाद आज थोड़ा क्लास डिस्टर्बिंग था बिकॉज ऑफ मेरे गले की वजह से तो कोई बात नहीं है आ, मुझे लगता है आप सभी कंसिडर करेंगे एंड थोड़ा डिस्टर्बिंग था यार वो तो हो जाता है आजकल चलो थैंक यू थैंक यू टू तो ऑल और हाँ एक ची, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मत भूलना यार ये लाइक ये कमेंट्स करना और शेयर करना सब्सक्राइब करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो Again, thank you to all.